जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम टैली ईआरपी 9 में परचेज बिल कैसे बनाएं इस चीज़ को डीपली जानने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली ऑन करके और इसे एजुकेशनल मोड पे क्लिक करके ऑन कर लेना है। जब टैली आपका ऑन हो जाएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें करंट पीरियड, करंट डेट, नेम ऑफ कंपनी सब कुछ खाली होंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा कंपनी इन्फॉर्मेशन का। इसमें आपको क्या करना है कि क्रिएट कंपनी में जाना है और इंटर करके एक फ्रेश तरीके का अपना कंपनी बना लेना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे परचेस बिल की एंट्री करना आज बताएंगे आपको, वो भी जीरो लेवल से, इसलिए हम एक फ्रेश कंपनी एबीसी के नाम से बना रहे हैं। एड्रेस हम यहाँ डाल लेते हैं जैसे DEORIA देवरिया। इंटर करने के बाद कंट्री हम यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टेट हम यहाँ से बिहार सेलेक्ट करके और पिन कोड नंबर लिख लेते हैं। फिर इंटर करने के बाद टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, फैक्स, वेबसाइट, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जिसे आप खुद से भर लेंगे और इंटर करके फाइनेंशियल ईयर 1/4/2023 रखना है, क्योंकि अभी जो फाइनेंशियल ईयर है 1/4/23 में हम वर्क कर रहे हैं, और इंटर करके फाइनली इसे एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों ये कंपनी एबीसी के नाम से बन करके रेडी हो जाएगा और जब कंपनी रेडी हो जाता है तो यहाँ से करंट पीरियड शो करने लगेगा, करंट डेट में भी आपका डेट शो करेगा, नेम ऑफ कंपनी में नाम शो करेगा कंपनी का, और हम लोग गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। यानी आपको एक नया फीचर्स यहाँ पे बॉक्स दिखेगा गेटवे ऑफ टैली का। दोस्तों परचेज बिल बनाने के लिए आपको जाना है सबसे पहले यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में और इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ से परचेज के ऑप्शंस को खोलना है, यहाँ से परचेज पे क्लिक करना है। जैसे आपका परचेज यहाँ से ऑन हो जाता है, इसी बॉक्स में आपका परचेज का बिल बनेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले जीएसटी ऑप्शन को यस करना होगा, क्योंकि विथ जीएसटी बिल बनाएंगे हम। तो कीबोर्ड का F11 प्रेस करेंगे यहीं पे और यहाँ से टैक्सेशन यानी F3 प्रेस करेंगे स्टेटरी टैक्सेशन के लिए। अब कीबोर्ड का F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ से जीएसटी आपको दिखेगा, हम इस ऑप्शन को यस करेंगे और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे। उसके बाद स्टेट बिहार टाइप रेगुलर और जीएसटी नंबर में कुछ रैंडम ऐसे ही जीएसटी नंबर टाइप कर लेंगे। उसके बाद अप्लीकेबल फ्रॉम डेट पूछेगा डाल करके और इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद वैट वगैरह पर काम नहीं करना है तो इंटर करके इसे फाइनल एक्सेप्ट कर लेना है। अब दोस्तों सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 1 डालना है, इंटर करना है, डेट यहाँ पे डाल लेना है जिस डेट को आप एंट्री कर रहे हैं, पार्टी का नाम यहाँ पे आपको जिस पार्टी से परचेजिंग कर रहे हैं आप उसका नाम डालेंगे, तो ऑल्ट और सी बटन प्रेस करेंगे और उसका नाम लिखेंगे। जैसे मान लिया जाए रोहित, रोहित पीवीटी LTD। दोस्तों आप जिस पार्टी से परचेज कर रहे हैं उसका नाम पीवीटी LTD रोहित है, यानी रोहित पीवीटी LTD है। इंटर करने के बाद इसकी लेजर अंडर आप सन्ड्री क्रेडिटर में डालेंगे, तो यहां से सन्ड्री क्रेडिटर में डाल करके बिल बाय बिल को यस रखेंगे, फिर इंटर करेंगे और इसे यहां पे एड्रेस अगर रोहित का डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो रोहित का हम एड्रेस में BIHAR बिहार ही डाल लेते हैं और इंटर करके हम फाइनल इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे परचेज का लेजर पूछा जाएगा, तो परचेज के लेजर में परचेज ही डालना है आपको, तो अल्ट और सी बटन फिर से प्रेस करना है और यहाँ लिखना है परचेज। परचेज लिखने के बाद अंडर जो ग्रुप है वो परचेज अकाउंट में डालना है, तो यहाँ से परचेज अकाउंट में डाल करके इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को यस रखना है, टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल रखना है और GST को अप्लीकेबल रखना है, सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस रखना है, फिर इंटर करना है। इंटर करने के बाद नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन से यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे, तो यहाँ पे और सारे भी डिटेल्स आपसे पूछे जाते हैं, फिलहाल आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे किसी से कम चीज पूछे जाते हैं, किसी से पूछे ही नहीं जाते हैं और किसी से ज़्यादा चीज पूछे जाते हैं, तो उसकी सेटिंग कहाँ से करते हैं। तो दोस्तों F12 प्रेस करेंगे हम कीबोर्ड का, F12 प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि HSN डिटेल्स, सेट टाइप गुड्स डिटेल्स, इनेबल आपका रिवर्स चार्ज है, उसके बाद इनपुट क्रेडिट है, उसके बाद सेलेक्ट वैल्यूएशन टाइप है, देन सो ऑल GST टाइप टैक्स है। तो ये सारे ऑप्शंस अगर आपके यस हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी सारे नो है, नीचे वाले यस है, हम सबको यस करके एंटर कर देते हैं, तो इतने सारे डिस्क्रिप्शंस आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम F12 प्रेस करके और इन सारे डिस्क्रिप्शंस को हम बंद कर देते हैं, लेकिन लास्ट वाला तो CGST और SGST के लिए यस होना चाहिए, बाद बाकी की जरूरत नहीं पड़ सकती है, लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन यस होने चाहिए और इंटर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम इसकी सेटिंग कर
लेते हैं, अगर आपके पास जैसा भी सेटिंग चाहिए आप वैसा कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हम यहाँ से डालेंगे परचेस टैक्सेबल, इंटर करेंगे। इंटरग्रेटेड टैक्स हम 12% टैक्स चार्ज करेंगे, तो 12% जिसमें सेंट्रल 6%, स्टेट 6% और केस को हम 0% रखते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करेंगे और हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों आपसे नेम पूछा जा रहा है, नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में ऑल्ट और सी बटन प्रेस करेंगे और जो आइटम आपके पास है, जैसे मेरे पास माउस मुझे खरीदना है तो माउस बना लिए, अंडर प्राइमरी में डाले और यूनिट में ऑल्ट और सी फिर प्रेस करेंगे और लिखेंगे पीसीएस। पीसीएस लिखने के बाद ये फॉर्मल नेम पीआईसीई होता है, इसको डाल लेंगे। यूनिकोड में हम यहाँ पे पीसीएस को सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर करके नंबर ऑफ डेसिमल पहले जीरो रखेंगे फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। जीएसटी अप्लीकेबल करेंगे, डिटेल्स को हम यस करेंगे, फिर से यहाँ से ऑन वैल्यू रखेंगे, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, इंटर। इंटरग्रेटेड टैक्स 12%, सेंट्रल 6, स्टेट 6, केस 0, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट, क्वांटिटी 100 पीस, इंटर करेंगे, रेट 900, अमाउंट आ जाएगा। एक बार और इंटर करेंगे तो दूसरा आइटम अब यहाँ पे ऐड करेंगे, अल्ट सी करेंगे और एच ए आर डी हार्ड डी आई एस के हार्ड डिस्क ऐड कर रहे हैं। ये अंडर प्राइमरी में यूनिट, ये भी पीस में बिकता है। जीएसटी अप्लीकेबल, डिटेल्स यस, ऑन वैल्यू टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, परसेंटेज 12, सेंट्रल टैक्स 0, स्टेट टैक्स 0, केस सॉरी सेंट्रल 6, स्टेट 6, केस 0, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वान्टिटी 200 पीस, रेट 1200 के रेट से अमाउंट आ जाएगा। तीसरा आइटम है तो फिर अल्ट सी करेंगे और यहीं पे हम ऐड करेंगे, जैसे रैम, इंटर करेंगे, अंडर प्राइमरी यूनिट हम यहाँ से पीसीएस और जीएसटी अप्लीकेबल, डिटेल्स ऑन वैल्यू टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, रेट 12% टैक्स जिसमें 6% सेंट्रल और स्टेट, केस 0, सप्लाई गुड्स और एक्सेप्ट। तो दोस्तों आपके पास जितना भी आइटम प्रोडक्ट है आप यहाँ पे उस सब आइटम प्रोडक्ट को ऐड कर ले, देन ऐड करने के बाद इंटर करें, ऑटोमेटिक अमाउंट काउंट हो जाएगा। उसके बाद एक बार इंटर करना है, अब अल्ट और सी बटन प्रेस करना है और यहाँ लगाना है इनपुट सीजीएसटी, इंटर करेंगे, ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस हम चार्ज करेंगे, यानी अंडर डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से जीएसटी, इनपुट सी है तो सेंट्रल टैक्स, परसेंटेज आधा हो जाता है तो 6% राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर अल्ट सी प्रेस करेंगे और लगाएंगे इनपुट एसजीएसटी, इंटर करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, यहाँ से जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, एस का मतलब होता है स्टेट टैक्स, परसेंटेज आधा हो जाएगा 6%, राउंडिंग मेथड में नॉट अप्लीकेबल और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर एक बार इंटर करेंगे, नरेशन लिखेंगे BEING बींग परचेज और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये परचेस का ट्रांजेक्शन हो जाता है। अगर हम इसके बिल प्रिंट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो हम चले जाएंगे डिस्प्ले ऑप्शन में, इंटर करेंगे और डेबुक में जाकर के इंटर करेंगे, परचेज को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट और पी बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों इस तरह से हम परचेस की एंट्री करेंगे विथ जीएसटी के साथ में और परचेस का जो है ट्रांजेक्शन होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।